चुनाव प्रचार के अपने तूफानी दौरे के चलते मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर तथा भाजपा के उम्मीदवार ब्रिगेडियर खुशाल ठाकुर ने अपने लाहौल स्पीति दौरे के दौरान जनता से भाजपा के पक्ष में वोट डालने की अपील की। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि कोविड जैसी विषम परिस्थितियों में भी इन चार वर्षों में जो कार्य किया गया है उसे जनता जानती है। वहीं ब्रिगेडियर खुशाल सिंह ठाकुर ने लद्दाख में सेवा देने वाले सैनिकों को भी याद किया। आइए देखते हैं न्यूज प्लस के लिए लाहौल से रंजीत लाहुली की ये रिपोर्ट। आना, लोगों के बीच में घूमना, लोगों से मिलना, लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए, जैसे हम काम करते थे वैसा काम नहीं कर पाए। मैं इस बात का जिक्र करता हूं कि मुझसे पहले जो मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश में 5 मुख्यमंत्री और रहे और उनको सौभाग्य हुआ एक सामान्य परिस्थिति में काम करने के लिए। उनको ऐसी परीक्षा के दौर में से नहीं गुजरना पड़ा जिस दौर में से हम गुजर रहे, क्योंकि उनके दौरान कोविड नहीं आया और भगवान शायद ऐसे ही तय करता है कि कुछ आदमी की परीक्षा वो जरूरत से ज्यादा लेते हैं, उसमें हमारी बारी आ रही। लेकिन हम हर परीक्षा में पास होकर के आगे निकल रहे हैं। यहां से होते हुए मनाली तक पीठ पे पहुंचाया करते थे और आपके पास ऐसे जो वीर योद्धा हुए हैं जिनका मैं जरूर आज स्मरण करना चाहता हूं, और जो आज भी जो हिस्ट्री है, इतिहास है हिंदुस्तान का, उसके लिए उनको सेवियर्स ऑफ लद्दाख माना जाता है, जिन्होंने लद्दाख को ले को बचाया है, और वो मान सम्मान जो है आपके लाहौल के लोगों को जाता है।